सख्त कानून के बावजूद आज भी कई निर्भया गैंगरेप की शिकार बनती जा रही है। कामठी परिसर में मंगलवार की शाम 7:30 से 9 के दौरान तीन नराधमों ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार कर उसके दोस्त को बेल्ट से अमानुष मारपीट की है। नया कामठी थाना अंतर्गत रनाला भीगांव मार्ग स्थित लकी फार्म हाउस के पास सुनसान जगह पर एकांत में बैठे एक नाबालिग लड़की और उसके परिचित नाबालिग लड़के से मारपीट कर तीन आरोपियों ने लूटपाट कर नाबालिग से सामूहिक बलात्कार किया। इस तरह फिर एक बार उपराजधानी में निर्भया जैसा जघन्य कांड को अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कलमना परिसर में रहने वाले एक नाबालिग लड़का और उसकी परिचित नाबालिग लड़की दोनों 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं। मंगलवार की शाम को लड़का बुक लेने के लिए लड़की के घर गया था और वहां से ये दोनों किसी काम से बाहर निकले। वे रनाला भीलगांव मार्ग स्थित लकी फार्म हाउस के पास सुनसान जगह पर बैठे थे। उसी समय मंगलवार की शाम 7:30 से 9 बजे के बीच तीन आरोपी युवक वहां पर आए। तीनों ने दोनों को बेल्ट से खूब मारा और दोनों के पास से पैसे और मोबाइल छीन लिए। इस बीच तीन में से एक आरोपी ने नाबालिग से रेप किया। बाद में दोनों आरोपी भी उसमें शामिल हो गए। नाबालिग का दोस्त आरोपियों के सामने हाथ जोड़ रहा था, आपने पैसे मोबाइल लूटा लेकिन लड़की को छोड़ दो। फिर भी आरोपी नहीं माने और अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम देते रहे। लड़की ने भी जब इसका विरोध किया तो उसे भी आरोपियों ने जमकर पीटा। दोनों नाबालिग पहले कलमना थाने में शिकायत दर्ज करने गए लेकिन घटनास्थल नया कामठी थाना अंतर्गत आने से उन्हें वहां भेजा गया। वहां पर शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल और आसपास के परिसर में आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की। उस क्षेत्र में हरदम लूटपाट करने वाले आरोपियों पर उन्होंने नजरें गड़ाई। उन्हें तीन लोगों के बारे में पता चला। पुलिस ने लूटपाट के तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपराध कबूल किया। उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन तीनों आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग होने की जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार यह तीनों आरोपी सुनसान जगह पर लूटपाट करते हैं। उनका पुराना रिकॉर्ड होने की जानकारी भी मिली है। बाबा अब्दुल शाह दरगाह परिसर में ये तीनों आरोपी रहते हैं और सुनसान मार्ग पर एकांत में बैठे लड़के लड़कियों या राहगीरों से लूटपाट करते हैं। पुलिस ने फिरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप लूटपाट कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ नितिन शेगांवकर की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।